नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएसडी आईएनआर टारगेट के बारे में। यूएसडी आईएनआर दिसंबर फ्यूचर में आप कैसे काम करके चल सकते हो, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आप फॉलो करके चल सकते हो यूएसडी आईएनआर दिसंबर के चार्ट पैटर्न में। तो लेके चलता हूँ जरा आपको डायरेक्टली चार्ट पैटर्न की तरफ, और आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जानने का प्रयास करते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। देख सकते हो दिसंबर फ्यूचर का यहाँ पर आपका चार्ट पैटर्न खुला हुआ है, और क्लियरली आपको संकेत हमने दिए थे। ये जो आपका दिसंबर फ्यूचर है, वैसे हमने नवंबर फ्यूचर में एनालिसिस की थी, और जो नवंबर फ्यूचर है आई थिंक एक्सपायर्ड हो चुका है, तो अब आपको दिसंबर फ्यूचर के चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो, जैसे एक बच्चा भी बता सकता है कि ये एक रजिस्ट्रेशन एरिया बन चुका है, राइट। तो ये एक रजिस्ट्रेशन की तरह बिहेव करने वाला है। कौन सा प्राइस? 75.22 पैसे, राइट। तो 75.22 पैसे एक रजिस्ट्रेशन एरिया बन चुका है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर के चार्ट पैटर्न में। अब आता है क्वेश्चन कि शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म का तो पर्पज यही है कि यहाँ स्टॉक इसको आप फ्यूचर को शॉर्ट मार के चलोगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी इंट्राडे की बात करते हैं, तो इंट्राडे देखो काफी अच्छा वॉल्यूम कल इंट्राडे में बना है, और लगातार सपोर्ट लेके ये छोटा छोटा सा एक हाई राइज का पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हाई राइज का पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ इसने एक अच्छे खासा ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है आपका यूएसडी आईएनआर। लेकिन ऊपर के कुछ रजिस्ट्रेशन एरिया है 75.30 पैसे के आसपास आप मान के चल सकते हो। तो ये एक बार यहाँ रजिस्ट कर सकता है, उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा आसपास जो सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट ले सकता है 74.95 पैसे के आसपास। क्योंकि देखो एक सेकेंड है, देखो प्राइस देखें थोड़ा समझो होता क्या है। ये इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट जो है ना ये रिटेस्टिंग करने आएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यह है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस के ऊपर एक अच्छी खासी हरी कैंडल क्लोज होती है, तो वो जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये ऊपर जाने के बाद 101%, मतलब 99 केसेस में तो ये देखा गया है कि सपोर्ट लेता है और ये रिटेस्ट करता है। तो अगर आप चाहो तो स्टॉक को रिटेस्ट में बाय करके चल सकते हो। चाहे ऊपर जाएगा तो ये रिटेस्टिंग करने नीचे आएगा, तो यहाँ स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हो फ्यूचर को 74.95 पैसे के आसपास। तो ये आपका रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, समझ आ गया। तो ये तो हो गई बात आपके यूएसडी एनआर दिसंबर फ्यूचर के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक बार इंट्राडे में क्या कर सकती हो, समझ आ गया ना। अब बात करते हैं इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, राइट। तो इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ वो आपको मैं अपनी प्राइवेट क्लास से बतलाऊंगा, राइट। अभी आपको मैं दिखला देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है इंट्राडे के। देख सकते हो क्लियरली, जैसे मैंने आपको बतलाया 75.30 पैसे के आसपास का एक अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन एरिया है यूएसडी है दिसंबर फ्यूचर का, और जो मेरे इंटरडे के सपोर्ट रजिस्ट्रेंस आते हैं वो भी यही हमें संकेत दे रहे हैं कि हाँ इट विल वर्क एज अ रजिस्ट्रेंस 75.26 पैसे या 75.30 पैसे के आसपास। अगर ये इसको रजिस्ट करके नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के बाद ये सपोर्ट बना सकता है 75.05 पैसे के आसपास। और अगर बहुत टाइम तक ये इसके बीच में घूमेगा तो समझ जाना ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, रेंज बना सकता है। अब ये रेंज ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। अब कैसे जानेंगे कि ये ब्रेकआउट होने वाला नहीं होने वाला है, तो आप क्या करोगे, देखो जब भी किसी रेंज में आपको ब्रेकआउट करना है, रेंज ब्रेकआउट जब भी होती है तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। अब प्राइस एक्शन क्या कहता है, देखो मैं जिस तरीके से फॉलो करता हूँ ब्रेकआउट्स को वो बता देता हूँ आपको। एटलीस्ट टू हरी कैंडल्स, टू रेड कैंडल्स नहीं, टू हरी कैंडल्स का वेट करना है इसके ऊपर क्लोजिंग का। और साथ में एक बात को ध्यान रख लेना है, जब भी वो हरी कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो आपको वॉल्यूम का ध्यान पक्का करना है। मतलब जो वॉल्यूम नीचे आपको दिख रहा है अभी तो नहीं दिख रहा है, जब मार्केट ओपन होगी तब दिखेगा। तो वॉल्यूम का जब फॉर्मेशन होगा तो वॉल्यूम कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो मस्ट भी हाई, अगर वो हाई नहीं होगा तो वो ब्रेकआउट आपका फेल हो जाएगा, और फेल होने के बाद ही दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर में आपको मैं कुछ एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देख सकते हो ये मैंने 5 कैंडल का 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न खुला हुआ है, और ये लास्ट डे का हमारा 26/11 का चार्ट पैटर्न है। अब मान के चलता हूँ कि मुझे ना ये स्टॉक को बाय करके चलना है, मतलब फ्यूचर को, और मैं इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना चाहता हूँ, इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना चाहता हूँ, तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ मैं सिंपली क्या करता हूँ। ये आपको कुछ नहीं करना है, इसका तो पहले हाई को मार्क कर लो ऐसे करके, ठीक है, उसके लो को मार्क कर लो, उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है इस कैंडल को देख लो कि वॉल्यूम इसका ऑलमोस्ट ये है, इसको भी मार्क कर लो, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? मात्र 1 सेकंड लगेगा। कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो सीधा ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं इस प्राइस के ऊपर, जो मैं भी पहले गलती करता था और जो गलत काम है। मतलब उसमें से आपके क्या होता है ना, देखो जब आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो आपको जो सिस्टम होता है वहां पर सब कुछ शो होता है,
ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ आपको शो हो रहा है, आपने पूरे पत्ते खोल दिए। तो आपको क्या करना है, जब इसको थोड़ा आगे आगे जाओगे, जब ये ब्रेकआउट कर देगा, ब्रेकआउट करने के बाद आपको तो वेट करना है फिर दोबारा से। और देखो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो उसका वॉल्यूम देखो, जिसने ब्रेकआउट किया है उसका वॉल्यूम देखो कितना हाई है। इसका मतलब ये जो इसका जो ब्रेकआउट हुआ है ये एकदम सक्सेसफुली डन होने वाला है, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम देखो और लास्ट उस कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना था। इसका वॉल्यूम था ऑलमोस्ट 34K, इसका वॉल्यूम कितना है ऑलमोस्ट 68K, डबल निकल के आता है। तो ये ब्रेकआउट बोल सकते हो कि हाँ ये ऊपर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसी ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक को बाय करिए, या तो ये रिटेस्ट करने आएगा। तो देखो यहाँ इस बार तो रिटेस्ट करने नहीं आया, लेकिन इसके आसपास ही आया, 74-75 रुपये के आसपास का इसका रेजिस्टेंस था, लो से लगा 74.99 पैसे के आसपास। तो मतलब 5 पैसे से चूक गया, उसको रिटेस्ट करने में ऊपर भाग गया। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ कहीं भी एकोमोडेट करके चल सकती हो और स्टॉप लॉस लगा सकते हो 74.96 का। और ये ब्रेकआउट देखो अच्छे अच्छे तरीके से काम किया और लगातार ऊपर ही जा रहा है आपका। तो इस तरीके से आपको यहाँ इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना, आपको वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और वॉल्यूम के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ये यहाँ से रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बना के नीचे गिर जाएगा और आपका वहां ट्रैप आप हो जाओगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है जब भी आप ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड करो या इन्वेस्टमेंट करो। तो चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, सपोर्ट जिसे मैंने आपको बता दिए उसके ऊपर आप एक बार दोबारा ध्यान दे लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।